हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में प्राइम फैक्टराइजेशन डिस्कस किया था। उसमें आपको किसी भी कंपोजिट नंबर को कन्वर्ट प्राइम फैक्टर में किस तरीके से किया जाता है, मेथड मैंने आपको पहले फैक्टर ट्री मेथड से क्लियर किया था। हम आज उसी को कंटिन्यू करेंगे कि प्राइम फैक्टर ट्री मेथड और दूसरा मेथड होता है सॉर्ट डिवीज़न मेथड, कि हम सॉर्ट डिवीज़न मेथड से किसी भी कंपोजिट नंबर को किसमें कन्वर्ट कर दें, प्राइम फैक्टर में। तो किस तरीके से, सबसे पहले तो प्राइम नंबर की नॉलेज मैंने आपको पहले ही कहा है कि प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्राइम नंबर कोई भी एग्जांपल मैं एक लेती हूँ, जैसे 24। मैंने लास्ट वीडियो में भी 24 का आपको प्राइम फैक्टर ट्री से प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना सिखाया था। आज वही मैं फिर से लेती हूँ 24, ओके। 24 आपको इस तरीके से बॉक्स बनाना है। 24 कंपोजिट नंबर है, तो इसे हमें प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना है बाय सॉर्ट डिवीज़न मेथड। तो हम सबसे पहले आपको प्राइम नंबर देखने होंगे। प्राइम नंबर, सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2। तो हम क्या करेंगे, पहले इस नंबर को देखेंगे, क्या पहले प्राइम नंबर 2 से डिविजिबल है। अगर है तो आप डिवाइड करके देखेंगे, यस है। तो 2 से आप जब डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, 12। इसे क्वेश्चन कहते हैं, यस। तो आपको क्वेश्चन कहाँ लिखना होगा, 12, और जो प्राइम नंबर जिसे डिवाइड किया है वो आप कहाँ लिखेंगे, हियर। क्लियर, जो यहाँ पर अब आएगा 12 आया आपका, आप उस 12 को अगेन आप देखेंगे क्या ये 2 का डिविजिबल है कि नहीं। पहले प्राइम नंबर तो 12, यस, 2 सिक्स 12, तो 2 से डिवाइड किया है हमने, 2 को यहाँ लिखा, और कितने टाइम आ रहा है 12, 6 टाइम, तो 6 यहाँ पे लिख दिया, ओके। फिर देखेंगे 6 क्या फिर अगेन पहले प्राइम नंबर 2 से की टेबल में आता है कि नहीं, डिविजिबल है कि नहीं, यस। 2 3 6, तो 2 3 6, ओके। फिर देखेंगे क्या ये 2 के टेबल में आता है, नो। नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर क्या है 2 के बाद, 3। 3 की डिविजिबल है, यस, 3 1 3, तो 3 1 3। हमें ये चीज़ कंटिन्यू तब तक करनी है जब तक यहाँ पर आपका क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए, ओके, ठीक है। तो अब आप इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, कितना आया था आपका, 2 2 12 2 6 3 3 1। आपका इसका 24 के प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट, आपको ये नंबर जो यहाँ पर आएंगे वो लिखने होंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ये आपका 24 कंपोजिट नंबर जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, जिसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, 192, ओके। पहला प्राइम नंबर 2, क्या ये 2 का डिविजिबल है, यस, क्योंकि हम डिविजिबिलिटी टेस्ट से भी चेक कर सकते हैं कि वंस प्लेस पर 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 का डिविजिबल होता है। आप डिवाइड करेंगे 192 को, 2 से डिवाइड किया, 2 9 18, यहाँ पे माइनस करने पे 1 आया, 2 को आपने लिया 2 6 12, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन कहाँ पे आएगा, हियर, और 2 डिवाइज़र हमारा यहाँ पर। फिर हम देखेंगे क्या 96 2 के टेबल में आता है, यस, आता है, डिविजिबल है, क्योंकि वंस प्लेस डिविजिबल 6 है। तो 96 को डिवाइड करिए, 2 4 8, माइनस 1 किया आया, और 6 कैरी, 2 8 16। 2 को आपने यहाँ पर लिखा जो प्राइम नंबर से आपने डिवाइड किया, और 96 डिवाइड 2 48 आया, ठीक है। अगेन देखेंगे क्या 48 डिविजिबल है 2 का, यस है। तब तक आप देखते जाएंगे, 2 से ही करते जाएंगे जब तक कि 2 से
डिवाइड होना बंद नहीं हो जाता, तब तक आप कंटिन्यू करते रहिए। 48 है, 2 टू जा 4, 2 फोर जा 24, ठीक है। क्वेश्चन आपका 24 आया, आपने यहाँ लिखा कितनी बार 2 की से डिविजिबल हुआ है, तो 2 हमने हाँ लिख दिया। 24 अगेन 24 है 2 का डिविजिबल, यस। 2 वन जा 2, 2 टू जा 12, 2 टू जा 4, ओके। आपका कितना आया 12, आप डिवाइजर हेयर। और क्वेश्चन अगेन देखेंगे, क्या 12 डिविजिबल है, यस। 2 सिक्स 12, अगेन 6 है डिविजिबल, तो 2 थ्री जा, अब 3 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 नेक्स्ट नंबर देखेंगे, 2 के बाद प्राइम नंबर हमारा 3 है, तो 3 वन जा 3, जैसे ही 1 आ गया स्टॉप, और ये आपको देखने होंगे, क्लियर। तो आपका 192 का प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट क्या बना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितने टाइम्स है 2, 1 2 3 4 5 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6 देन 3, ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में। और एग्जांपल लेते हैं हम, 2 3 8, 2 का डिविजिबल है, यस है, डिवाइड करिए 2 3 8, 2 वन ज़ा 2, माइनस करने पे 0, 3 कह लिया, 2 वन ज़ा 2, 1 माइनस करने पे 8 लिया आपने, 2 नाइन ज़ा 18। आपका क्वेश्चन क्या आया, 119 और 2 यहाँ पर। अब देखिए 119 क्या 2 का डिविजिबल है, नहीं। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या आता है, 3, 3 से डिवाइड करके देखेंगे, किससे डिवाइड करके देखेंगे, 3 से, 3 का डिविजिबल है कि नहीं, 3 3 जा 9, 2 9 नहीं है, ये 3 का डिविजिबल नहीं है, 3 से डिवाइड ये नहीं होगा, रिमाइंडर 0 नहीं देगा। अब 3 के बाद आप चेक करिए 5, 5 का डिविजिबल हो ही नहीं सकता ये, क्योंकि वंस प्लेस पे अगर 0 और 5 होता है तभी वो 5 का डिविजिबल होता है। फिर देखेंगे 7, 5 के बाद हमारा प्राइम नंबर क्या है, 7 से डिवाइड करिए आप, 119, 2 7 1 7, 11 में से 7 गया 4, 9 7 7 जा 49, यस, ये 7 से डिविजिबल है, तो 7 आप यहाँ पर लिखेंगे। और क्वेश्चन क्या आया है आपका, 17, ओके। अब 7 का डिविजिबल नहीं है, 7 के बाद 11 आता है प्राइम नंबर 7 के बाद, तो क्या ये 11 का डिविजिबल है 17, नो। 11 के बाद हमारा आता है प्राइम नंबर 13, क्या ये 13 का डिविजिबल है 17, नो। 13 के बाद 14 प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट है, 15 भी कंपोजिट है, 16 भी कंपोजिट है, उसके बाद प्राइम नंबर हमारा आता है 17, तो ये ऑलरेडी 17 है, तो 17 वन ज़ा 17 आ गया हमारा 1, तो अब आप इसके प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट हो गया, तो 238 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 17, ये कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं हम, 8712, ओके। 2 से डिवाइड करके देखिए, 8712, 2 4 जा 8, 7 2 3 जा 6, माइनस करने पे 1 को लिया, 2 5 जा 10, फिर 1 माइनस करने पे 2 को लिया, 2 6 जा 12, तो 2 से डिविजिबल कितनी टाइम, तो 2 को आपने यहाँ पर लिखा,
4, 3, 5, 6 अगेन ये 2 से डिविजिबल है तो फिर डिवाइड करके 4, 3, 5, 6 2 2s are 4 माइनस करने पे 0 आएगा 3 लिया 2 1s are 2 1 माइनस करने पे 5 लिया 2 7s are 14 माइनस करने पे 1 आया और 6 2 8s are 16 आपका 2 1 7 8 2 से डिविजिबल 2 को आपने यहाँ लिखा क्वेश्चन कितना आया 2 1 7 8 अगेन ये 2 से डिविजिबल है किससे डिविजिबल है 2 से 2 1 7 8 2 1s are 2 माइनस किया 0 आएगा 1 लिया 1 से डिवाइड नहीं होगा तो आप यहाँ पे लगाएंगे ना जाने का 0 और दूसरी डिजिट आप लेंगे 7 2 8 जा 16 माइनस करने पे 1 आया 8 2 9 जा 18 हो गया 1 0 8 9 तो 2 1 0 8 9 अब देखिए 1 0 8 9 आया है 1 0 8 9 2 का डिविजिबल नहीं है 2 का डिविजिबल नहीं है तो नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर 3 है 3 से डिवाइड करके देखते हैं 1 0 8 9 3 3 जा 9 1 माइनस करने पे 8 लिया 3 6 जा 18 ओके माइनस करने पे 0 9 तारा 3 3 जा 9 हो गया डिवाइड रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हमारा ये 3 का डिविजिबल है और कितनी टाइम है 3 6 3 अब अगेन ये देखिए क्या 3 का डिविजिबल है 3 से ही करके देखेंगे 3 3 1s are 3 6 लिया 3 2s are 6 3 3 1s are yes डिविजिबल है 3 का तो आपने 3 लिया यहाँ पर और क्या आया है आपका 1 2 1 अब क्या 1 2 1 3 का डिविजिबल है डिवाइड करके देख लीजिए 3 4 जा 12 नो रिमाइंडर बच रहा है अब रिमाइंडर बच रहा है तो मीन्स ये 3 का डिविजिबल नहीं है तो 3 के बाद हमारा प्राइम नंबर आता है 5 5 नहीं होगा क्योंकि एंड प्लेस पर 0 और 5 नहीं है 7 7 से डिवाइड करके देख लीजिए 1 2 1 7 1s are 7 12 में से 7 गया 5 1 नो 7 का डिविजिबल नहीं है तो 7 के बाद हमारा क्या प्राइम नंबर आता है 11 11 से डिवाइड करके देखिए 1 2 1 11 1s are 11 माइनस करने पे 1 1 11 1s are 11 हो रहा है कितने टाइम 11 11s are तो 11 यहाँ पर लिखा 11 11 अगेन 11 से डिविजिबल है तो 11 1s are 1 आ गया हमारा हम स्टॉप यहीं पे कर देंगे आपका 8 7 1 2 प्राइम फैक्टर में किस तरीके से हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 तो ये था आपका सॉर्ट डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टर निकालना ओके थैंक यू